अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं बहुत मजे का और बहुत आसान रेसिपी और बहुत चटपटा और जबरदस्त जूसी चिकन वाला बर्गर बनाना बता रही हूं आपको, जिसका नाम है टेरियाकी चिकन बर्गर। ये बहुत आसान है, लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। इसके लिए मैंने चिकन फिले लिए हैं, चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है उसके फिले बना लिए हैं, चिकन के बारीक बारीक पार्चे बना लिए हैं। तकरीबन ये चार पतले पतले स्लाइसेस हैं चिकन के, जिससे दो बर्गर बन सकते हैं। और मसाले जो लिए हैं, एक टीस्पून लहसुन पाउडर है, एक टीस्पून मैंने इसमें रोजमेरी लिया है, या ड्राइड पार्सले ले लें या ऑरिगेनो ले लें, और नमक हसबे जायका और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून नींबू का रस लिया है। और इसको मैरिनेट करना बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है। इस तरह से कुछ जिप लॉक बैग ले लीजिए, उसमें चिकन फिले डाल दीजिए अच्छी तरह से पानी ड्राई करके, और सारे मसाले जो हैं, चार ही तो मसाले हैं, इतने ज्यादा तो है नहीं, उन्हीं को आप इसी जिप लॉक बैग में, जिप लॉक बैग नहीं है तो कोई सा भी शॉपर ले लीजिए, और फिर उसी में आप 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल दीजिए और इसको बंद करके, जिप लॉक बैग है तो उसको बंद कर दें, शॉपर है तो उसको बांध दें, और उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि सारे चिकन पे अच्छी तरह से मसाला लग जाए। मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे रख दें। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक चॉप कर लें या कश कर लें। चिली गार्लिक सॉस मैंने ली है 1/2 कप, और लेमन जूस लिया है 1 टेबलस्पून, और मैंने इसमें शहद लिया है 1 टेबलस्पून, और मैंने इसमें चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। मैं एक पैन में ये सारी चीजें डालूंगी। 1/2 कप मैंने पानी लिया है, पैन में मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक कश कर लिया है, 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस और लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और चिली पाउडर जो है वो 1/2 to 1 टीस्पून। स्पाइसी चाहते हैं तो 1 टीस्पून डाल दें, कम स्पाइसी चाहते हैं तो 1/2 टीस्पून डाल दें, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा हनी। ये बहुत मजे की सॉस बनेगी, बहुत जबरदस्त लगेगी, और जब चिकन इसके अंदर जाएगी तो वो और ज्यादा मजे की, और ज्यादा स्पाइसी, और ज्यादा चटपटी हो जाएगी। अब मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि इस सॉस को हमने क्या करना है। अभी मैं मिक्स करके इसको एक साइड पर रख रही हूँ, और मैं आपको चिकन को बता दूं, 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, आप 1 से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। तो इसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, 1 से 2 टेबलस्पून, और इसको दोबारा से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने से क्या होता है कि सारे मसाले जो है वो चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में पहले से रख दिया है, इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें से मैरिनेटेड जो चिकन है उसको निकालूंगी और इसको इस तरह से, सादा मैदा है, मैदे के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, इस तरह से मैदे के अंदर दबा दबा के इसको अच्छी तरह से कोट करूंगी। इसको दबा के अच्छी तरह से कोट करूंगी मैदा, और फिर मैं इसको फ्राइंग के लिए डाल दूंगी। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। आपने देखा कितने सिंपल और कितने आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, और दूसरी तरफ मैंने जो सॉस बनाने के लिए चीजें मिक्स की थी सारी, दूसरे चूल्हे पे मैं उसको चढ़ा दूंगी। साथ साथ मेरी चिकन फ्राई हो रही है, साथ साथ सॉस बन रही है। इसको, सॉस को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, और चिकन को आपने 1 साइड से 6 मिनट के लिए पकाना है। जब 1 साइड को 6 मिनट हो जाए, अच्छा से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसको पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी आप 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए। आपकी जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची चिकन तैयार है, बहुत कम मसालों में, बहुत मजे की, बहुत लजीज चिकन, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट। और सॉस को 1 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद इसमें चिकन डाल दें, और चिकन डाल के चिकन को 1-2 मिनट के लिए सॉस के अंदर पका लें। आपकी मजेदार सी क्रिस्पी क्रंची जो चिकन है वो जब इस सॉस के अंदर जाएगी तो वो और ज्यादा चटपटी, मजेदार और लजीज हो जाएगी, और ज्यादा जूसी हो जाएगी, बहुत मजे की बनेगी। इस चिकन को आप लोग ऐसे भी खाना चाहें राइस के साथ तो ये बहुत मजे की लगती है, लेकिन अभी तो मैं बर्गर बनाना बता रही हूँ, तो अभी हम इसको बर्गर में लगाएंगे।
और मैं आपको बताती हूँ हमें इसके साथ साथ और क्या चीजें बर्गर में ऐड करनी है जिससे बर्गर और ज्यादा मजे का लगेगा। लेकिन साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी आने वाले वीडियोज का आपको पता नहीं चलेगा और हम लोग कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमने बर्गर बन ले लिया है, अब इसमें क्या करेंगे, मैं एक चिकन स्लाइस जो है, एक चिकन पीस इस बर्गर बन के ऊपर रखूंगी। इस तरह से आप इसके ऊपर रख दीजिए, आप देख सकते हैं आपकी क्रिस्पी चिकन जो है वो सॉस के अंदर जाके वो कितनी मजे की लग रही है, कितना जबरदस्त का इसका कलर है, इसकी शक्ल है, उससे ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। अब इसके ऊपर मैं चीज स्लाइस लगाऊंगी, आप मोजरेला चीज स्लाइस है तो वो लगा दीजिए, आपके पास बर्गर चीज स्लाइस है तो वो लगा दीजिए, जो भी आपके पास है आप वो लगा दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर सलाद पत्ता लगाएंगे, लेटस लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर क्या लगाना है, इसके बाद मैं इसके ऊपर प्याज और टमाटर लगाऊंगी, अनियन एंड टोमेटो, प्याज और टमाटर लगाने से, अनियन टोमेटो लगाने से बर्गर में बहुत मजे का टेस्ट आता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है इस बर्गर का और बहुत मजे का टेस्ट है और बहुत कम मसाले हैं जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं। अब दूसरा चिकन का पीस जो है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। दो दो चिकन के पीसेस इतने मजे की सॉस के अंदर कोट हुए हुए जाएंगे तो क्या बर्गर को चार चांद लग जाएंगे, ऊपर से एक और चीज का स्लाइस जाएगा तो ये इतना मजे का, इतना रिच, इतना हेल्दी और बहुत मजे का है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं सिंगल चिकन पीस लगाना तो आप सिंगल लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन डबल से जो है आपके बर्गर को चार चांद लग जाते हैं, बहुत मजे का और बहुत रिच और बहुत जबरदस्त लगता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दें, दोपहर के खाने में बना के दें, बहुत मजे का लगता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।